नमस्कार, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ शराब छोड़ने के बाद के लक्षण क्या होते हैं। क्या है कि शराब आजकल तो बहुत ही कॉमनली लोग लेते रहते हैं, एक सोशल ड्रिंक है। यंग लड़के तो बहुत ही कॉमनली लेते हैं, मतलब बियर लेना तो बहुत मामूली बात हो गई है, मगर होते होते बढ़ते बढ़ते वो इतना हो जाता है कि वो अल्कोहलिक बन जाता है, अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है। तो चलो उसके बारे में बात करेंगे कि वो छोड़ते हैं शराब तो क्या होता है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि सोशल ड्रिंक मतलब सोसाइटी में गए, शादी में है, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, वहाँ जाके पीना या दोस्तों के साथ में बैठना और पीना, ये बहुत ही कॉमन है। मैं जितने भी पार्टीज़ में गया हूँ, जाते रहता हूँ, 10 में से 6 या 7 लोग तो लेने वाले निकलते ही है और लेते रहते हैं। हार्डली 2-3 लोग रहेंगे 10 में से कि जो बोलते नहीं नहीं हमने लिया नहीं है या आज नहीं होना है। समझो कोई पीता नहीं है, यंग लड़कों में स्पेशली कोई पीता नहीं है तो उसको टॉर्चर किया जाता है मेंटली। अरे तू क्या लड़के जैसा लड़का, मर्द जैसा मर्द और पीता नहीं है, मतलब इस तरह का उसको टॉर्चर किया जाता है, टीज किया जाता है, और पीने वाला जो है वो हीरो माना जाता है। तो एक लोगों ने हमको आइसोलेट भी नहीं करना चाहिए या बाहर भी निकाल नहीं देना चाहिए कम्युनिटी से, इसलिए भी लोग पीते रहते हैं। रोज लोग डिंग रहते, मतलब पहले क्या होता है कि कभी महीने भर में 1 महीने में 2 बार 3 बार ले लिया, फिर बाद में हफ्ते में 1-1 बार हो जाता है, बाद में 1 दिन छोड़ के 1 दिन होता है, बाद में रोज होता है, और बाद में शाम को रोज होता है, तो बाद में फिर सवेरे भी और शाम को भी होते रहता है, और फिर जो हालत होती है वो सुबह से रात तक चालू ही रहता है, फिर काम धंधा सब बंद। कुछ लोग बिंज ड्रिंकर होते हैं। बिंज ड्रिंकर मतलब ऐसा है कि वो 15-15 दिन महीना नहीं लेंगे, और एक बार लेना चालू किया तो इतनी पिएंगे कि सब सत्यानाश, फिर सब गंदगी हो जाएगी, फिर मार पीट, पागलपन, फिर उल्टियाँ, वायलेंस, आक्रामक होना, कुछ भी करेंगे फिर उसमें, और वो तो 7-8 दिन चलेगा वो, और फिर बाद में फिर वो छोड़ देंगे। तो इस तरह का ये बिंज ड्रिंकिंग है, दोनों को भी इलाज करना जरूरी है। जब वो ड्रिंक लेना छोड़ते हैं, शराब लेना छोड़ते हैं, और ये करीब करीब सभी एडिक्शन जो है ना उसके लिए लागू है, शराब के लिए ज़्यादातर है, बाकी भी एडिक्शन है उसमें भी यही लक्षण दिखाई देते कम ज़्यादा मात्रा में। एक है हाथ कांपना शुरू में, पसीना आना, खाने की इच्छा नहीं होना, घबराहट होना, नींद नहीं आना। फिर धीरे 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 क्या होता है कि जैसे जैसे 8-10 घंटे हो जाते शराब नहीं लिया, 10-12 घंटे 15-20 घंटे हो गए, बाद में बेचैनी शुरू हो जाती है, घबराहट, नींद नहीं आना, थोड़ा खाना खाया तो उल्टी हो जाना, हाथ कांपना ज़्यादा बढ़ जाता है, पसीना आना भी हो जाता है, और एक दिन हो गया, 24 घंटे हो गए एक बार, कि बाद में हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाते हैं। और हेलुसिनेशंस मतलब ऐसा कोई दिखता है सामने कुछ, तभी सांप दिखता है, कोई रस्सी दिखती है तो उस लगता है कि सांप है, या कोई आ रहा है ऐसा दिखते हैं लोग कि लोग आ रहे हैं, उसको कानों में आवाज़ आना शुरू हो जाता है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, और फिर भागना चालू करेगा इधर उधर, उसको लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, मतलब इस तरह के हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स उसको आना शुरू हो जाता है। फिर यही स्टेज में उसको फिट्स भी आते, झटके भी आते, घुर मिर्गी, झटके आना, बेहोश हो जाना ऐसा हो जाता है उसको, नींद तो आती नहीं है, खाना बिल्कुल खाता नहीं है, उल्टियाँ होती रहती है, और फिर ये आदमी जाएगा डिलीरियम में, डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं उसको, और डिलीरियम ट्रेमेंस मतलब फिर उसको भान नहीं रहता है कि अपन कहाँ है, आज का दिन कौन सा है, वार कौन सा है, कौन लोग है, वैसे ही दीवार के ऊपर जाएगा, उसको धक्के मारेगा, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उस लगता है कि लोग आ रहे हैं, मार रहे हैं, फिर कहीं से भी कहीं जाके छुप जाएगा, पलंग के नीचे जाके छुप जाएगा, पसीने से पूरा तर रहता है वो, घबराहट तो पूरी दुनिया भर की घबराहट है, नींद नहीं आती है, कुछ होश नहीं है, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं उसमें, कुछ लोगों को पकड़ के बांध के रखना पड़ता है, इतना वायलेंस हो जाता है, भागना चालू करता है इधर उधर, और ऐसे इसमें तो उसको फिर बहुत ज़्यादा सेडेशन भी देना पड़ता है, उसको नींद के इंजेक्शन भी देना पड़ता है। अब ये जो है ये इसका पूरा इलाज कर सकते हैं शुरू में ही, यदि उसको लाया कंट्रोल में,
मतलब जैसा शुरू में शराब बंद कर दिया, तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिया, तो इतना सारा होगा नहीं। जब हम ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास में आता है मरीज, तो हम उसको फिर पहले से ही दवाई देना चालू करते हैं, मेडिसिंस, ताकि आगे के जो ज़्यादा लक्षण है वो आएंगे नहीं। उसको नींद की दवाइयाँ, उल्टी नहीं होना चाहिए उसकी दवाइयाँ, फिर सलाइन देना, ताकि वो समझो खाता भी नहीं तो भी जाएंगा अंदर। इसमें होता क्या है कि शराबी आदमी जब पूरा एडिक्ट बन जाता है तो खाना पीना बंद कर देता है। खाना पीना बंद कर दिया तो उसके दिमाग में होती है, ब्रेन में होता है विटामिन डिफिशियंसी, बॉडी में होती है विटामिन डिफिशियंसी, ब्रेन में ज़्यादा ही होती है, और उसमें B1 की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, थायमिन जिसको बोलते हैं, विटामिन B1। और विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगी तो ब्रेन को ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ऐसे इसमें उसको पहले विटामिन B1 का सप्लाई देना जरूरी है। B1, B6, B12 सभी बी कॉम्प्लेक्स देते, बहुत ही अच्छा है, तो वो भी देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में IV फ्लूइड्स और फिट नहीं आने को होना करके एंटी एपिलेप्टिक्स, ये सब करते हैं तो कम से कम 96 घंटे में वो अच्छा रिकवर हो जाता है। और बाद में फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं, रिहैब सेंटर में डाल सकते हैं, बाद में फिर साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, काउंसिलिंग, फिर CBT, हिप्नोसिस, ऐसे सभी उपचार हम उसके ऊपर करते हैं। हमारा आशा किरण हॉस्पिटल है जिसमें आप पेशेंट को रख सकते हैं 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए। रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदारों की रहने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं रहे तो भी चलता है। तो पेशेंट को बाहर जाना अलाउ नहीं है, ना बाहर के लोगों को अंदर आना अलाउड है। उसको सपोर्ट किया जाता है, बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, और फिर एक बार वो बाहर धीरे धीरे आ रहा हो अल्कोहल के, उसको फिर डायसल्फिराम, अकैम्प्रासॉल, नेलट्रक्सोन, ये दवाई हम चालू करते हैं। ये दवाई का ऐसा रहता है कि उसको एक तो पीने की इच्छा होती नहीं है, इच्छा हो गई तो मज़ा आती नहीं है, मतलब पी लिया तो इच्छा नहीं तभी पी लिया तो मज़ा आती नहीं, और समझो मज़ा भी नहीं आती तभी पी लिया तो उसको रिएक्शन आती है, और रिएक्शन में फिर ब्लड प्रेशर डाउन होना, चक्कर आना, उल्टियाँ होना, तो डर के मारे वो लेता नहीं है। तो 1 साल तक ये दवाइयाँ हम चालू रखते हैं, 1 साल तक उसने साइकोथेरेपी कंटिन्यू करना, हिप्नोथेरेपी कंटिन्यू करना, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाना, ये सब करना जरूरी है। आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो शराब पीते हैं, उनको ऐसा लगता नहीं कि हम कोई इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी शराबी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता कि मैं शराबी हूँ। लोगों को तकलीफ है तो आप इनको, उनके रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो अकोला में आके उनका इलाज करें। लोगों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।